यहाँ पर पानी का लेवल देखिए, पानी यहाँ पर कंधे तक आ चुका है और यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें हैं और देखिए ये लोग भी पहुंचे हुए यहाँ पर, पूरी कवायद है यहाँ पर जो लोग फंसे हुए उनको निकालने की। पूरी ये जो तिब्बती मार्केट है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आप पानी का लेवल यहाँ पर देखिए, हाल यहाँ बहुत ज्यादा बुरे हैं। ये लाल किले का वो इलाका है जहाँ पर कल तेज रफ्तार से यमुना से आता हुआ पानी सड़कों पर भर गया। दिल्ली पुलिस के बैरिकेड से जो तकरीबन आधे से ज्यादा पानी में डूबे हुए हैं और ये दूसरी तरफ भी बैरिकेड देख करके आप समझ सकते हैं कि पानी का स्तर कितना ज्यादा है। आज यमुना दिल्ली का दर्शन कर रही है और दिल्ली के लोग यमुना का दर्शन कर रहे हैं। एक के बाद दूसरी कारें पानी में समाई हुई हैं। सिविल लाइंस का इलाका है, ये बेला रोड है सिविल लाइंस की, इसका परिचय दे रहा हूं। बगल से रिंग रोड गुजरती है। दिन बदला, तारीख बदली, लेकिन दिल्ली की सूरत नहीं बदली, दिल्ली की नियति नहीं बदली। न बारिश हुई न यमुना का जल स्तर बढ़ा, लेकिन बाढ़ में डूबी दिल्ली का न पानी उतरा न दिल्ली वालों की मुसीबत कम हुई। दो दिन बाद भी दिल्ली अपने ही हाल पर है, दो दिन बाद भी दिल्ली पानी में डूबी कराह रही है, दो दिन बाद भी दिल्ली का संकट कम नहीं हो पाया है। एक के बाद दूसरी कारें पानी में समाई हुई हैं। सिविल लाइंस का इलाका है, ये बेला रोड है सिविल लाइंस की, इसका परिचय दे रहा हूं। बगल से रिंग रोड गुजरती है और ये एक तरफ से जो पानी में कारें समाई हुई हैं सिविल लाइंस के अंदर, वो बता रही हैं कि ये जो त्रासदी है, ये इस त्रासदी ने किस हद तक लोगों को इस पानी में डुबोया है, लोगों के घर छीने हैं। ये आलम तब है जबकि दिल्ली में नीचे से लेकर ऊपर तक तीन तीन पावर सेंटर हैं, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और एमसीडी। दिल्ली में 70 विधायक हैं, 7 निर्वाचित सांसद हैं, 250 निर्वाचित नगर निगम पार्षद हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ इतना भारी भरकम तामझाम है, इतना बड़ा सिस्टम है, फिर भी दिल्ली डूब गई, फिर भी दिल्ली पर जबरदस्त कहर बरपा है, फिर भी दिल्ली की सुध लेने वाला कोई नहीं। हम उस सड़क के बगल में हैं जहां से कि पूरे दिन गाड़ियां फर्राटा भरती हैं, लेकिन फिलहाल सड़क डूबी हुई है, सड़क के दोनों तरफ का हिस्सा डूबा हुआ है, गले तक पानी है, जानवर भी पानी में डूबा है और बगल में एक शख्स भी गले तक पानी में डूबा हुआ है। तो जिनके पास नाव है वो तो मुख्य सड़क से नाव के सहारे अपने घर तक जा सकते हैं, लेकिन जो अन्य लोग हैं वो किस तरीके से विवश हैं और किस तरीके से पानी में फंसे हुए हैं उसकी वानगी है ये तस्वीर। अब सवाल ये आता है कि आखिर दिल्ली को किस किस ने डुबोया, दिल्ली किसकी नाकामी की कीमत चुका रही है, दिल्ली की इस दुर्गति का जिम्मेदार कौन है? क्या दिल्ली केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के झगड़े में डूबी? यमुना के नजदीकी इलाकों में सड़कों पर भरा ये कई कई फीट पानी सारी कहानी कह रहा है। देश की राजधानी की जिन सड़कों पर बाकी दिनों गाड़ियां फर्राटा भरती थीं, वहां दो दिन से यमुना से दाखिल हुए पानी का कब्जा है। दिल्ली की जिन सड़कों से गुजरते हुए बड़ी आबादी अपनी मंजिल तक पहुंचती थी, वहां अब नावें चल रही हैं। क्योंकि यमुना बाजार का वो इलाका जहां पर टेंट लगाए गए थे लोगों के लिए, सेफ जोन बनाए गए थे यहां पर ताकि लोग अपना सामान रख सकें, यहां पर रह सके, लेकिन अब इन सभी जगह पानी आ गया है। ये वो इलाका है यमुना बाजार का जहां पर कई सारे घर हैं, कई सौ लोग रहते थे। पिछले 4 दिनों से यहां पर भयावह स्थिति बनी हुई थी, लेकिन क्योंकि 5 दिनों तक ये लोगों को अंदाजा नहीं हुआ कि स्थिति इतनी ज्यादा खराब होगी, लेकिन अब देखिए यहाँ हालात क्या हो गए हैं। आखिर दिल्ली का ये हाल किसने किया, दिल्ली का गुनहगार कौन है? इन सवालों की जड़ तक जाने से पहले एक तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच किस तरह तनातनी चल रही है, इसकी तस्वीर इस आपदा के वक्त में भी दिखाई पड़ी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके दो मंत्री जब मुआयना करने पहुंचे
तो मीडिया के कैमरों के सामने ही मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी से सवाल पूछ लिया। स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि एनडीआरएफ को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रात को। अब आइए एनडीआरएफ, थैंक यू है, बट सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता सर। अश्विनी जी को मैंने कहा, ग्रुप पे लिखा, सीएस साहब भी थे उस पे, सर थोड़ी सी मदद हो जाती सर। मैं सौरभ जी ये कहना चाहूंगा कि ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें। इस वक्त हमें टीम वर्क करने की जरूरत है। कहने के लिए मैं भी बहुत सारी चीजें कह सकता हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। देखा आपने, जिन जिम्मेदार लोगों को इस मुसीबत के समय दिल्ली को संकट से उबारने के जतन करने हैं, वो आपस में ही भिड़े हुए हैं, एक दूसरे को नसीहतें दे रहे हैं।